जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। दसवीं के एग्जाम देते ही स्टूडेंट के सामने कौन सा विषय चुनने ये एक परेशानी होती है। ऐसे में बच्चे किस विषय में सफल होंगे और किस करियर में होगा उज्जवल भविष्य, ये भी एक चिंता का विषय होता है। आज आचार्य जी बताएंगे कि ग्रहों का करियर पर क्या प्रभाव पड़ता है और साथ ही जानेंगे आपका साप्ताहिक राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी आपका हार्दिक स्वागत है। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6233-0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आने वाले पूरे हफ्ते में कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आगामी सप्ताह यानी 9 मई से लेकर के 16 मई के मध्य में पड़ने वाली विशेष तिथियों के बारे में। तो आइए जानते हैं इस सप्ताह की विशेष तिथियां इस प्रकार से हैं। 14 मई गुरुवार को अपरा एकादशी का व्रत मनाया जाएगा और उसके बाद 15 मई शुक्रवार की तिथि में प्रदोष का व्रत माना जाएगा, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों का पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोग इस सप्ताह आप बौद्धिक चर्चा से दूर रहें, क्योंकि इस समय आपके शब्दों के गलत अर्थ निकाले जा सकते हैं। उच्च अधिकारी, पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों की आप पर कृपा बनी रहने वाली है। प्रभावशाली लोगों के साथ कार्य व्यवहार अच्छा रहने वाला है। सप्ताह के आगे बढ़ने के साथ ही आपकी स्थिति में सुधार होने की संभावना है। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपको परिवार का सुख प्राप्त होगा। सप्ताह का अंतिम चरण आपके लिए आर्थिक प्रगति के लिहाज से बहुत अनुकूल कहा जा सकता है। नौकरी पेशा लोगों को थोड़े से सावधान रहने की आवश्यकता है। विद्यार्थी वर्ग यानी छात्र वर्ग के लिए यह समय अनुकूल बनता दिखाई देता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का ध्यान इस दौरान आपको रखना चाहिए। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आप महादेव शिव की पूजा आराधना करें। शिव चालीसा का पाठ करना और उसके साथ साथ महादेव शिव का अभिषेक करना आपके लिए लाभकारी होगा। किसी भी प्रकार का तनाव लेने से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का ये पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आगामी सप्ताह के लिए आपको सलाह देता हूं कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, खर्चों पर ध्यान दें, अन्यथा निकट भविष्य में आपके कुछ प्रोजेक्ट धन की कमी के कारण बाधित हो सकते हैं, अटक सकते हैं। आपके धन स्थान का मालिक भाग्य स्थान में वक्री होने के कारण आपको खर्च में वृद्धि होगी और आमदनी में कमी देखने को मिल सकती है।
कला जगत से जुड़े लोगों को इस समय में नए अवसर प्राप्त होंगे। अपने प्रतिभा की बदौलत आप आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। सप्ताह का अंतिम चरण सकारात्मक रहने की संभावना आपके लिए बनती है। आप परिवार के साथ सुखद समय बिता पाएंगे। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान गणेश का पूजन आराधना आपको कर लेनी चाहिए। तो आप गणपति चतुर्थीज का पाठ करें, आपको फायदा मिलेगा। किसी गरीब व्यक्ति का आप अनादर ना करें, इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के सितारे इस पूरे सप्ताह क्या कह रहे हैं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस हफ्ते आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होने के संकेत मिलते हैं। आर्थिक क्षेत्र में किए गए प्रयास जो हैं आपको बहुत अच्छी सफलता प्रदान करेंगे। रुके हुए धन के मिलने की संभावना आपके लिए बनती है। पारिवारिक वातावरण खुशहाली से परिपूर्ण रहेगा। निकटस्थ स्थानों की यात्रा भी संभावित दिखाई देती है जो लाभ से परिपूर्ण रहेगी। भाग्य के सहयोग से भी रुके हुए कार्य बनने की पूर्ण संभावना बनती है। कोई नया प्रेम प्रसंग आरंभ हो जाए ऐसे लक्षण बन रहे हैं। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए मां अन्नपूर्णा की पूजा आराधना आपको सुख और सफलता दिलाएगी। तो अन्नपूर्णा स्त्रोत का पाठ आपको करना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति आपके पास सहायता मांगने आए तो आप उसे मना मत करिए। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले सप्ताह क्या करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह रविवार का दिन थोड़ा सा मध्यम व्यतीत होने के लक्षण बनते हैं। मन भी अस्त व्यस्त और थोड़ा सा अशांत रह सकता है और शरीर में भी शुभ ऊर्जा की कमी का अनुभव आप करेंगे। इसके अलावा बाकी के जो 6 दिन होंगे वो आपके लिए उत्तम व्यतीत होंगे। मनोयोग के साथ कार्यों में आप लगे रहेंगे। आपके सामाजिक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत मिलते हैं। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ मधुर संबंध बनेंगे जिनका भविष्य में भी आपको लाभ मिलता रहेगा। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए 108 बार गायत्री मंत्र का जाप नित्य प्रति आपको करना चाहिए। और ध्यान रखें कि काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से यदि आप बच सकें इस सप्ताह में तो आपके लिए ज्यादा शुभ और कल्याणकारी होगा। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने सप्ताह को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए इस हफ्ते में आपको अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखना होगा। वाणी पर विराम रखें, नियंत्रण रखें तो आपके लिए लाभकारी होगा। आपको सर्दी, कफ, खांसी जैसी बीमारियां आप चपेट में ले सकती हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जो लोग दमे से पीड़ित हैं उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में थोड़ी सी खींचतान हो सकती है। सप्ताह के मध्य के बाद की आपकी स्थिति जो है वह सुधार की आने की संभावना बनती है। इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आप लक्ष्य की तरफ पूरे उत्साह के साथ बढ़ सकेंगे। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। तो पूरे सप्ताह में माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। श्री सूक्त या लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। क्रोध और उत्तेजना को नियंत्रित करके रखें, उससे बचें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का इस सप्ताह कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी राशि अनुसार आपके धन स्थान का मालिक शुक्र अभी 6 स्थान में बैठा हुआ है। साथ ही उग्र स्वभाव के ग्रह मंगल की युति होने के साथ साथ व्यवसाय में अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग न मिलने की संभावना आपके लिए बनती है। आपको विपरीत माहौल में कार्य करना पड़ सकता है। आपके विरोधी आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय अनुकूल कहा जा सकता है। इस समय में कोर्ट कचहरी संबंधी मामलों को स्थगित अगर आप रखते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना आपको मनोवांछित सफलता दे सकती है। किसी भी परिस्थिति में गुरुजनों अथवा वरिष्ठ जनों का अपमान आप न करें, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का ये पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों को इस सप्ताह खासतौर पर विद्यार्थी वर्ग को मनचाहे नतीजे प्राप्त होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको अपने अध्ययन कक्ष में माता सरस्वती का एक कोई फोटो या चित्र रखना चाहिए। कोई मूर्ति आप अपने स्टडी टेबल पर रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने अध्ययन कक्ष में या अपने स्टडी टेबल पर घड़ी, मछली या जल से चलने वाली कोई भी वस्तु का प्रयोग ना करें, वहां पर ना रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। इससे आपका ध्यान जो है वह बटेगा, मन में चंचलता आएगी, व्यग्रता आएगी। शेयर बाजार में निवेश करने वाले जातक लोगों को इस समय में सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि कोई बड़ा और लंबा निवेश करना चाहते हैं तो आप बहुत सोच समझ करके निर्णय करें। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए माँ अन्नपूर्णा की पूजा आराधना आपको सुख और सफलता देगी। तो अन्नपूर्णा स्त्रोत का पाठ आपको भी करना चाहिए। कोई व्यक्ति आपकी सहायता मांगने आए तो उसे मना ना करें। और चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि इस पूरे सप्ताह क्या कहती है।
वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को इस सप्ताह प्रेम संबंधों में आगे बढ़ने के लिए शुरुआत का समय अनुकूल नहीं है। आप में अधिक उत्साह और साहस रहेगा, लेकिन आपको किसी भी दिशा में आगे बढ़ने से पहले उस दिशा में उस कार्य के बारे में हर पक्ष पर अच्छे से विचार कर लेना होगा। सप्ताह के मध्य का समय नौकरी पेशा वालों के लिए प्रगति के लिए काफी उत्तम होगा। आपकी विदेश जाने की इच्छा इस समय में पूरी हो सकती है। इस समय आपके विरोधी किसी भी प्रकार से आप पर हावी नहीं रह पाएंगे। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आपको देवी दुर्गा की पूजा आराधना करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है, तो दुर्गा चालीसा का पाठ आपको इस पूरे सप्ताह करते रहना चाहिए। अपने कार्य की प्रति जिम्मेदारियों में किसी भी प्रकार की लापरवाही आप मत बरतिए। चलिए जानते हैं कि धनु राशि वालों की राशि इस पूरे सप्ताह क्या कहती है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए इस हफ्ते किसी बड़े काम में सफल होने के अलावा लंबी दूरी की यात्रा की संभावना आपके लिए बनेगी। मनोरंजक गतिविधियों के लिए भी धन खर्च करने की स्थिति बन सकती है। आप परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे। घर में शुभ समारोह आयोजित होने की संभावना बनती है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों के सुलझने की संभावना बन रही है। अचानक स्थायी संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। माता का खराब स्वास्थ्य आपको परेशान करेगा, चिंता का कारण बन सकता है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री राम की पूजा आराधना आपके लिए शुभ और सफलतादायी सिद्ध होगी, तो राम रक्षा स्त्रोत का पाठ आपको करना चाहिए। और ध्यान रखना है कि आपकी मित्र मंडली में कोई अगर गलत मित्र जुड़ गया है तो इस गलत मित्र की संगत से आप दूर रहें। और अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि इस सप्ताह क्या कहती है, इस सप्ताह वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों को इस सप्ताह किसी भी व्यक्ति के साथ लंबी बहस में ना पड़ने की आपको हिदायत देता हूं। अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए, सत्य साबित करने के लिए बार बार किसी भी तरीके का प्रयास ना करें। तर्क कुतर्क करने से बचना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए आपके भीतर अपने आप रुचि उत्पन्न होगी, उसके लिए आप तत्पर भी रहेंगे। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और कार्यस्थल पर उच्च पदाधिकारियों के साथ आपके संबंध अनुकूल रहेंगे और उनका सहयोग भी मिलने की पूर्ण संभावना आपके लिए बनती है। सरकारी और बैंक संबंधित कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है इस सप्ताह में। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना आपका मार्गदर्शन करेगी, तो हनुमान जी की पूजा आप करते रहें। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। इस सप्ताह में अपने दिनचर्या को अव्यवस्थित और अनियमित मत करिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का इस सप्ताह कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं उनके सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह परिवार के साथ मौज मस्ती के लिए आप किसी पिकनिक स्थल पर जाने का मन बना सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग में एकाग्रता की कमी देखने को मिलेगी, जिसके कारण आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। आपको माता सरस्वती की और भगवान गणेश की पूजा आराधना करने की सलाह देता हूँ। पिता या पिता समान लोगों के साथ आपके संबंध तनावपूर्ण रहने की संभावना है। इस समय सरकार विरोधी गतिविधियों से दूर रहने की सलाह आपको दी जाती है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए शनिदेव की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। शनि चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा और किसी भी प्रकार के पुराने वाद विवाद को इस समय आपको छेड़ना नहीं चाहिए। और अब जानते हैं कि मीन राशि वाले इस सप्ताह क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस हफ्ते आप संतान की प्रगति को लेकर के प्रसन्न रहेंगे। छात्र वर्ग के लिए समय अनुकूल है, हालांकि अन्य गतिविधियों में मन लगने के कारण परीक्षा में अच्छे नतीजे मिलने की संभावना आपको थोड़ी सी कम दिखाई देती है। नौकरी पेशा लोगों को उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए विनम्र रहने की सलाह है। सप्ताह के अंतिम चरण में आप मित्रों और परिवारजनों के साथ पिकनिक या धार्मिक स्थल के दर्शन हेतु जा सकते हैं। इस समय आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना बनती दिखाई देती है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। भगवान विष्णु जी की आरती करना आपको बहुत शुभ फल दे सकता है और किसी भी प्रकार की चिंता करने से आपको बचना है, इस बात का ध्यान रखिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है।
जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि किस प्रकार आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर अपना करियर, अपना भविष्य निर्धारित कर सकते हैं। अगर आपको अपना कार्य करने का कार्य क्षेत्र चुनना है तो किस प्रकार आपकी जन्म कुंडली उसमें सहायक होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली के चौथे, पांचवें, दसवें भाव से आप अपना विषय जान सकते हैं तथा आने वाला भावी करियर जान सकते हैं। यानी अगर बच्चों को अपना करियर डिसाइड करने में दिक्कत आ रही है तो चौथे, पांचवें और दसवें भाव से आप अपने करियर को जान सकते हैं। हालांकि अपने करियर या अपनी आय का माध्यम, आय का स्रोत जानने के लिए इसके अलावा भी कई सारे भाव होते हैं, क्योंकि सप्तम भाव भी व्यापार का होता है। दसवें के साथ साथ ग्यारहवें भाव का भी अध्ययन करना ज्योतिष के माध्यम से आवश्यक होता है, क्योंकि ग्यारहवां जो भाव होता है वह आय से जुड़ा होता है। तो शिक्षा किस क्षेत्र में होगी और आय किस क्षेत्र में प्राप्त होगी, जब तक इसमें कहीं कोई तालमेल नहीं होगा तब तक कोई बहुत अच्छे से आप किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। तो आइए जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिक्षा के कौन कौन से योग बनते हैं। दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करते ही कौन सा विषय चुने, यह यक्ष प्रश्न बच्चों के सामने आ खड़ा होता है। इसके साथ साथ माता पिता यानी अभिभावक भी बहुत ज्यादा चिंतित और परेशान हो जाते हैं कि बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, इसमें कैसे उनकी हेल्प करें। माता पिता को अपनी महत्वाकांक्षाओं को परे रख करके एक नज़र कुंडली पर भी डाल देनी चाहिए। कुंडली से आप निर्णय कर सकते हैं कि बच्चे का रुझान किस विषय में बनेगा या भविष्य में इसका करियर किस क्षेत्र में बहुत सुनहरा बन सकता है। बच्चे किस विषय में सिद्धहस्त होंगे, यह ग्रहों की स्थिति से स्पष्ट हो जाता है। ग्रहों की स्थिति इसको बहुत स्पष्ट रूप से जानकारी देती है। आज जीवन के हर मोड़ पर आम आदमी स्वयं को खोया हुआ महसूस करता है, विशेष रूप से वह विद्यार्थी जिसने हाल ही में दसवीं या बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। उसके सामने सबसे बड़ा संकट ये रहता है कि वह कौन सा विषय का चयन करे जो उसके लिए लाभदायी सिद्ध हो। इस विषय में एक अनुभवी ज्योतिषी आपकी अच्छी मदद कर सकता है। किसी भी जातक की जन्म पत्रिका के पंचम भाव से शिक्षा तथा नवम भाव से उच्च शिक्षा तथा भाग्य और दसवें भाव से जातक के कर्म अथवा कार्यक्षेत्र के बारे में विचार किया जा सकता है। वहीं उसके साथ साथ सप्तम भाव जो होता है वह व्यापार के लिए होता है, उससे आप अपने भावी व्यापार को समझ सकते हैं। और उसके साथ साथ ग्यारहवें भाव का तालमेल भी इन सभी भावों के साथ, उसका योग भी देखना बहुत आवश्यक होता है कि जातक की आय किस दिशा से, किस क्षेत्र से होने वाली है। सबसे पहले जातक की कुंडली में पंचम भाव तथा उसके स्वामी कौन है तथा पंचम भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है, ये ग्रह शुभ अशुभ हैं अथवा मित्र शत्रु हैं, अधिमित्र हैं, ऐसा विचार करना चाहिए। दूसरी बात, नवम भाव एवं उसके स्वामी, नवम भाव में स्थित ग्रह, नवम भाव पर गृह दृष्टि आदि शुभाशुभ का जानना होता है। तीसरी बात, जातक का सुदर्शन चंद्र स्थित श्रेष्ठ लग्न के दशम भाव का स्वामी नवांश कुंडली में किस राशि में, किन परिस्थितियों में स्थित है, ये ज्ञात करना चाहिए। तीसरी स्थिति से जातक की आय एवं आय के स्रोत का ज्ञान हो जाता है। जन्म कुंडली में जो भी सर्वाधिक प्रभावी ग्रह होंगे, सामान्यतः व्यक्ति उसी ग्रह से संबंधित कार्य व्यवसाय करता है। यदि हमें कार्य व्यवसाय के बारे में जानकारी मिल जाती है तो शिक्षा भी उसी क्षेत्र से संबंधित होगी, ऐसा समझना चाहिए। जैसे यदि जन्म कुंडली में गुरु सर्वाधिक प्रभावी है तो जातक को चिकित्सा, लेखन, शिक्षा, खाद्य पदार्थ द्वारा के माध्यम से आय प्राप्त होगी, ऐसा समझना चाहिए। यदि जातक को चिकित्सा के क्षेत्र में जाने के लिए चिकित्सक योग बन रहा है कुंडली में तो जातक जीव विज्ञान विषय लेकर के चिकित्सक बनेगा। यदि पत्रिका में कुंडली में गुरु यानी बृहस्पति कमजोर है तो जातक आयुर्वेदिक, होम्योपैथी या इसके अलावा अन्य जो दूसरी सपोर्टिव मेडिसिन की या ट्रीटमेंट के तरीके हैं, जैसे रेकी हो गया, होम्योपैथी हो गई या फिर जो फिजियोथेरेपी जैसे कार्य हैं, इनके समकक्ष वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। श्रेष्ठ गुरु यानी कुंडली में गुरु बली होने पर MBBS की पढ़ाई करेगा विद्यार्थी। यदि गुरु के साथ मंगल का श्रेष्ठ योग बन रहा है तो ये शल्य चिकित्सक यानी सर्जन बनने की बहुत अच्छी एक स्थिति को दर्शाता है। यदि सूर्य से बृहस्पति का योग बन रहा है तो नेत्र चिकित्सा या सोनोग्राफी या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकता है विद्यार्थी। यदि गुरु का संयोग शुक्र के साथ बन रहा है तो महिला रोग यानी प्रसूति रोग विशेषज्ञ
हो सकते हैं। और वहीं अगर बृहस्पति का बुध के साथ संयोग बन रहा है तो मनोरोगी मनोरोग चिकित्सक हो सकते हैं, और राहु के साथ अगर संयोग बृहस्पति का बन रहा है तो ऐसे में हड्डी रोग विशेषज्ञ विद्यार्थी हो सकता है। चंद्रमा की श्रेष्ठ स्थिति में किसी विषय पर गहन अध्ययन करेगा, लेखक कवि श्रेष्ठ विचारक बनेगा तथा बीए एमए करके श्रेष्ठ चिंतनशील योजनाकार बन सकता है। सूर्य के प्रबल होने पर इलेक्ट्रॉनिक के से संबंधित शिक्षा ग्रहण करेगा। यदि मंगल अनुकूल है, मंगल अच्छा है तो ऐसा जातक कला भूमि भवन निर्माण खाद्यान्न केमिकल आदि से संबंधित विषय में ज्ञान प्राप्त करता है, शिक्षा ग्रहण करता है। बुध प्रधान कुंडली में यानी जिनकी कुंडली में बुध मजबूत हो ऐसे लोग, ऐसे जातक बैंक बीमा क्षेत्र कमीशन वित्तीय संस्थान वाणी से संबंधित यानी बोल करके कमाने वाले काम ज्योतिष वैद्य शिक्षक वकील सलाहकार चार्टर्ड अकाउंटेंट इंजीनियर लेखपाल आदि का कार्य करते हैं। अतः ऐसे जातकों को साइंस मैथ्स की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। किंतु यदि बुध कमजोर हो तो वाणिज्य विषय लेना चाहिए, वो कॉमर्स की फील्ड में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बुध की श्रेष्ठ स्थिति में चार्टर्ड अकाउंट की शिक्षा अकाउंटेंट की शिक्षा अगर ग्रहण करते हैं तो ये करियर आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। वहीं शुक्र की अनुकूलता से जातक साइंस की शिक्षा को ग्रहण करता है। शुक्र की अधिक अनुकूलता होने से जातक फैशन सुगंध वस्तुओं का व्यवसाय करना, सेंट परफ्यूम इत्र इत्यादि से जुड़ा हुआ व्यापार करना, श्रेष्ठ कलाकार बनना, रत्नों से संबंधित विषय को चुनता है या फिर फैशन के फील्ड में जाता है, मीडिया की फील्ड में जाता है, वह क्षेत्र भी इस जातक के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आप फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग कर सकते हैं, कोई भी काम क्रिएटिविटी जिसमें जुड़ी हुई हो, इंटीरियर डेकोरेशन से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, इस तरीके के क्षेत्र आपके लिए होते हैं। वहीं जिन कुंडलियों में शनि ग्रह बहुत ज्यादा बली होते हैं वे लोग मैनेजमेंट यानी प्रबंधन से जुड़ा हुआ काम, लौह तत्व खनिज से संबंधित, तेलों से संबंधित, मशीनरी आदि के विषय का कारक होता है ये। अतः ऐसे जातकों की शिक्षा व्यवधान के साथ पूर्ण होती है। शनि के साथ बुध होने पर जातक एमबीए फाइनेंस में करेगा। यदि शनि के साथ मंगल भी कारक है तो वह जातक सेना पुलिस अथवा शौर्य से संबंधित विभाग में अधिकारी बनेगा। शनि के साथ अगर राहु का संयोग बन रहा है तो राहु की प्रधानता कुटिल ज्ञान को दर्शाती है। केतु तेजी मंदी तथा अचानक आय देने वाले कार्य जैसे शेयर तेजी मंदी के व्यापार सट्टा प्रतियोगी क्विज लॉटरी इत्यादि से पैसे कमाता है। कभी कभी एक ही ग्रह विभिन्न विषयों के सूचक होते हैं तो ऐसी स्थिति में जातक एवं ज्योतिषी दोनों ही अनिर्णय की स्थिति में आ जाते हैं। उसका सही अनुमान लगाना ज्योतिष का कार्य होता है। ऐसी स्थिति में देश काल एवं पात्र को देख करके निर्णय लेना चाहिए, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। जैसे नवांश में बुध का स्वराशि का होना ज्योतिष वैद्य वकील सलाहकार बनने का सूचक होता है। अब यहाँ जातक के पिता का व्यवसाय स्वयं की रुचि जिस विषय की होगी वह उसी विषय का अध्ययन करके धनोपार्जन करेगा, ऐसा समझना चाहिए। सामान्यतः वैदिक ग्रंथों के अनुसार सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु और शनि इन सात ग्रहों का अपना अपना अलग क्षेत्र और प्रभाव है, लेकिन जब इन ग्रहों का आपसी योग बनता है यानी एक दूसरे के साथ जब ये संयोग बनाते हैं तो क्षेत्र और प्रभाव निश्चित तौर पर बदल जाते हैं। इन ग्रहों के साथ राहु और केतु यदि मिल जाए तो कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं। व्यवहारिक भाषा में कहें तो ये टांग अड़ाते हैं आपकी सफलता में, आपकी सिद्धि में। जन्म कुंडली के मुख्य कारक ग्रह ही कुंडली के प्रेसिडेंट होते हैं, वह कुंडली के प्रधान देवता कहे जाते, प्रधान ग्रह कहे जाते हैं। यदि जो भी कुछ होगा वह उन ग्रहों की देखरेख में ही, उनके ही नियंत्रण में होगा। अतः ये ध्यान में अवश्य रखना चाहिए कि कुंडली में कारक ग्रह कौन से बन रहे हैं। अगर कारक ग्रह कमजोर हैं या अस्त हैं, वृद्धावस्था में हैं, तो उसके बाद वाले ग्रहों का असर आरंभ हो जाएगा। मंगल शुक्र सूर्य शनि ये करियर की दिशा को बहुत ज़्यादा हद तक तय करते हैं, करियर आपका निर्धारित करते हैं। बुध और गुरु उस क्षेत्र की बुद्धि और शिक्षा को प्रदान करते हैं। यद्यपि क्षेत्र इनका भी निश्चित है लेकिन इन पर जिम्मेदारियां बहुत अधिक होती हैं, इसलिए कुंडली में इनकी शक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज हम किसी एक या दो ग्रहों के करियर पर उनके प्रभाव पर चर्चा कर रहे हैं। जन्म कुंडली में वैसे तो सभी 12 भाव एक दूसरे के पूरक हैं, किंतु पराक्रम ज्ञान कर्म और लाभ इनमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही इन सभी भावों का प्रभाव नवम भाव यानी भाग्य भाव से तय होता है, अतः ये परम भाव है। सूर्य और मंगल यानी सोच और साहस के परम शुभ ग्रह माने गए हैं।
सूर्य को कुंडली की आत्मा, संपूर्ण चराचर जगत की आत्मा कहा गया है और शोधपरक, आविष्कारक, रचनात्मक क्षेत्रों से संबंधित कार्यों में इनका खास दखल रहता है। मशीनरी अथवा वैज्ञानिक कार्यों की सफलता सूर्यदेव के बगैर संभव हो ही नहीं सकती। जब यही सूक्ष्म कार्य मानव शरीर से जुड़ जाता है तो शुक्र का रोल वहां पर आरंभ हो जाता है, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में शुक्र तंत्रिका तंत्र विज्ञान के कारक हैं, यानी शुक्र को न्यूरोलॉजी और गुप्त रोगों का ज्ञान देने वाला माना गया है। सजीव में शुक्र का रोल अधिक रहता है और निर्जीव में सूर्य का रोल अधिक रहता है। यदि आपकी कुंडली में ये दोनों ग्रह एक साथ हैं और दक्ष अंश की दूरी 10 अंश की दूरी पर हैं, तो ये आपको मान करके चलना चाहिए कि इनका फल आपके ऊपर अधिक घटित होगा। तीसरे भाव, पंचम भाव, दशम भाव और एकादश भाव में इनकी स्थिति आपके कुशल वैज्ञानिक, आपके कुशल ज्योतिषी, आविष्कारक, डॉक्टर, संगीतज्ञ, फैशन और उसके साथ साथ फैशन डिजाइनर, हार्ट अथवा न्यूरोसर्जन बना सकती है आपको। इन दोनों की युति में शुक्र बलवान हो तो स्त्री रोग विशेषज्ञ बना सकता है। साथ ही ललित कला और फिल्म उद्योग में संगीतकार आदि आप बन सकते हैं। लेकिन जब इन्हीं सूर्य के साथ मंगल मिल जाते हैं तो पुलिस, सेना, इंजीनियर, अग्निशमन विभाग, कृषि कार्य, जमीन जायदाद, ठेकेदारी, सर्जरी, खेल, राजनीति तथा अन्य प्रबंधन कार्य के क्षेत्र में आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं। यदि इनकी युति पराक्रम भाव में दशम अथवा एकादश भाव में हो तो इंजीनियरिंग, IIT, वैज्ञानिक बनने के साथ साथ अच्छे खिलाड़ी और प्रशासक बनना लगभग सुनिश्चित कर देती है। अधिकतर वैज्ञानिक और खिलाड़ियों और प्रभावशाली व्यक्तियों की कुंडली में ये युति और योग देखे जा सकते हैं। आज के प्रोफेशनल युग में इनका प्रभाव और फल चरम पर रहता है, इसलिए ये मानकर के चलना चाहिए कि यदि कुंडली में मंगल, सूर्य तीसरे, दसवें या ग्यारहवें भाव में है तो अन्य ग्रहों के द्वारा बने हुए योगों को ध्यान में रख करके उपरोक्त कहे गए क्षेत्र में आप अपना भाग्य आजमाएं तो आपको सफलता मिलेगी। यदि इनके साथ बुध भी जुड़ जाता है तो एजुकेशन जो है बैंकिंग क्षेत्र में होगा, बीमा क्षेत्र में आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुंडली में बुध और गुरु की स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वास्तुकला तथा अन्य नक्काशी वाले क्षेत्रों के दरवाजे भी आपके लिए खुल जाएंगे। इसलिए कुंडली में अगर सूर्य मंगल की प्रधानता हो तो इनके कारक अथवा संबंध क्षेत्र अति लाभदायक होंगे और कामयाबी दिलाने वाले रहेंगे। इसलिए जो बेहतर और आपकी प्रकृति को सूट करे वही क्षेत्र आपको चुनना चाहिए। तो आज के महाउपाय में हमने जाना कि कैसे ग्रहों के हिसाब से अपने करियर को चुने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी। जी धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, देखते रहिए समाचार प्लस।